देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। अमृतसर के हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर में होने वाली गुरबानी के प्रसारण को लेकर विवाद जारी है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने फैसला लिया कि गुरबानी का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त होगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि पंजाब सरकार के पास ऐसा फैसला करने का अधिकार ही नहीं है। शरद शर्मा की विस्तृत रिपोर्ट। गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सिखों के 10 गुरुओं की शिक्षा और सीख, कबीर और रविदास जैसे संतों के सिद्धांत और दर्शन का संकलन है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब का जब पाठ होता है तो इसको ही गुरु की वाणी यानी गुरबानी कहते हैं। पिछले 16 सालों से अमृतसर के हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर में होने वाली गुरबानी का प्रसारण कुछ इस तरह से बादल परिवार का पीटीसी नेटवर्क कर रहा है, जिसके बदले में वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सालाना 2 करोड़ रुपए देता है। लेकिन पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि अब गुरबानी के प्रसारण का अधिकार किसी एक चैनल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फ्री टू ऑल होगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 एक स्टेट एक्ट है, जिसमें राज्य सरकार संशोधन के लिए मंगलवार को विधानसभा में बिल लाएगी। सारा एक्ट है जी, तो एक्ट ये कहता है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये यकीनी बनावे कि ऑडियो ते वीडियो जिहड़ा गुरबाणी दी फीड है, लाइव फीड है, फ्री टू एयर भी होवे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होवे, टू ऑल हाउसेस, ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल होण चाहे जो मर्जी होण, ते ताकि असी जो गुरबाणी का प्रचार प्रसार है श्रोमणी कमेटी की जो जिम्मेवारी बनती है वह निभा, ना कि अपनी सेवावां किसी खास परिवार प्रति निभा जां अपनी वफादारी किसी खास चैनल प्रति दिखाउण। ये साडा कल नूं असीं विधानसभा दे विच लैके आवांगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस कदम को सुखबीर बादल और अकाली दल को कमजोर करने की दिशा में उठाया गया कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस चैनल के पास गुरबाणी के प्रसारण का अधिकार है वो बादल परिवार का है। जिसने ये अधिकार दिए वो सिखों की सबसे बड़ी संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जिस पर अकाली दल का प्रभाव है। अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। फजूल ची गल करी जानी, कल कोई कह दूगा, कल एदा की पता उठ के इन्हें कह देना कि मैंने तो यूपी सरकार का फैसला नहीं लगता, मैं वह भी इत्थे दे दिना फैसला उठा के कि उन्होंने ऐ करना चाहिए। भाई थोड़ा अधिकार खेतर है, उस अधिकार खेतर च रहो, सुजैशन दो, एनी गुड सुजैशन इज वेलकम, मगर गुरु घर दे सुजैशन देन तो पहला गुरु घर की जो सिक्ख्या है ना उस नू भी फॉलो करने की कोशिश करो, ओह जा रंग रूप अपनाओ, मसंदा आला रूप ता तेरा उं गल करदा दूजियां नी। इसमें पंजाब गवर्नमेंट किसी भी तरह से कोई दखल नहीं कर सकती। मेरा तो सीधा सवाल है कि इनको कोई अधिकार नहीं, कोई कानून होता है ना, असेंबली का एक्ट है, कानून है, उसमें कोई भी बिल आना है, कुछ भी आना, किसी के तहत ही आएगा ना, जे तो एक्ट मेंटे नहीं उनके एक्ट में। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी मानती है कि जिस सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में संशोधन की बात मुख्यमंत्री भगवंत मान कर रहे हैं वो केंद्र सरकार का है, जिसमें राज्य सरकार संशोधन नहीं कर सकती। डायरेक्टली इंटरफेयर स्टेट गवर्नमेंट दे च मेरी समझ के मुताबिक तो कर कोई नहीं सकेगी। बाकी यह है कि कल जिस शेप दे विच लैके आएंगे उसे शेप दे विच ही फिर असीं उसका जवाब देवांगे, क्योंकि अजे सानू भी ये जिहड़ा भगवंत मान जी का ट्वीट है ये थोड़ी जी कन्फ्यूजन है। गवर्नमेंट खुद ही क्लीयर नहीं कि कैबिनेट की करना चाहती है, कल की करना चाहती। मंगलवार को पंजाब की मान सरकार विधानसभा में बिल लाएगी। तो कुल मिलाकर अब सारी बात इस पर आ गई है कि सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 जिसमें एसजीपीसी को अधिकार दिए गए हैं वो आखिर है क्या। राज्य सरकार के मुताबिक ये एक स्टेट एक्ट है जिसमें संशोधन का राज्य सरकार को पूरा अधिकार है, जबकि विपक्ष और एसजीपीसी ये दावा कर रहे हैं कि ये एक सेंट्रल एक्ट है जिसमें
राज्य सरकार अपने सुझाव तो दे सकती है लेकिन अपने से संशोधन नहीं कर सकती। अब समय के साथ पता चलेगा कि जो मौजूदा पंजाब सरकार चाह रही है इस मामले में वो होगा या फिर ये मामला राजनीति और कानूनी दाव पेंचों में उलझ कर रह जाएगा। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और शरद शर्मा इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। शरद, मान सरकार इसके पीछे चाहे कोई भी वजह बताए लेकिन है इसके पीछे राजनीति, क्या ये कहना गलत होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। और हम राजनेताओं से हम ये उम्मीद करें कि उनका कोई भी कदम है राजनीति नहीं होगी तो ये एक बहुत ही विचित्र स्थिति हो जाएगी। राजनीति इसमें बिल्कुल है और यही इसमें राजनीति मानी जा रही है कि क्योंकि जिस नेटवर्क को इसके प्रसारण के अधिकार मिले हुए हैं, गुरबानी के प्रसारण के अधिकार मिले हुए हैं, वो पीटीसी नेटवर्क है, ये बादल परिवार के स्वामित्व वाला नेटवर्क है। तो और ये जो एसजीपीसी है जिसने अधिकार दिए हैं, ये जो है बादल परिवार का या अकाली दल के प्रभाव में माना जाता है। तो अगर ये राइट्स जो हैं इस चैनल के पास ना रहें तो ये बादल परिवार और अकाली दल कमज़ोर पड़ सकता है, खासतौर से सिख समाज के बीच में, क्योंकि गुरबानी जो है और खासतौर से हरमंदिर साहिब की, स्वर्ण मंदिर की जो गुरबानी होती है वो वर्ल्ड वाइड देखी जाती है। तो इसके ज़रिए जो नेटवर्क है वो वर्ल्ड वाइड जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश ज़रूर कही जा सकती है कि बादल परिवार और जो अकाली दल है उसका एक तरह से एकाधिकार खत्म करने की या उसको कमज़ोर करने की एक कोशिश ये ज़रूर हो सकती है। शुक्रिया शरद इस पूरी बातचीत के लिए और उस रिपोर्ट के लिए जो भी हमने दर्शकों को आपकी वो खबर दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। फिल्म आदि पुरुष को लेकर भारत के साथ साथ नेपाल में भी विवाद हो रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और पोखरा में इस फिल्म को बैन कर दिया गया। ये बैन इस फिल्म के एक डायलॉग को लेकर लगाया गया जिसमें सीता को भारत की बेटी कहा गया। काठमांडू में किसी हिंदी फिल्म की स्क्रीनिंग ना हो सके इसके लिए सभी 17 सिनेमा हॉल पर पुलिस की तैनाती की गई। भारत में भी फिल्म के कई डायलॉग्स को लेकर विवाद हो रहा है। फिल्म के संवाद लेखककार मनोज मुंतशिर का कहना है कि फिल्म के निर्माताओं ने कुछ डायलॉग्स को बदलने का फैसला किया। पांच डायलॉग पे आपत्ति है, मैं पांचों बदल रहा हूं 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा, मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत छोटी बातें हैं। इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता। मैं समझता हूं फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात है, और अगर लोगों को कुछ अंश कुछ पार्ट नहीं पसंद आया तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाएं तो करें, कभी कभी संभव नहीं होता। डायलॉग्स बदल रहे हैं बहुत जल्द, मुझे लगता है कि लॉजिस्टिकली सब क्लियर होने के बाद अगले 2 से 3 दिनों में ये डायलॉग्स थिएटर में होंगे। CBFC ने इस पर जो निर्णय करना है वो किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने, उनका एक काम है। और जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं और जो लेखक भी हैं उन लोगों ने जो डायलॉग बदलने की बात है वो भी कही है। किसी की भी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है। मनोज मुंतशिर और ओम राउत जी ने डपोरियों की भाषा, गुंडे मवालियों की भाषा, अस्तरहीन भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके उनकी जुबान से बुलवाया है। ये स्वाभाविक रूप से इस देश के आदर्श और महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रकांड विद्वान रावण आदि आदि के मुंह से इतनी हल्की बात करा करके इन सबको अपमानित किया है, महापुरुषों को अपमानित किया है। कार्रवाई होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में आज शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर शिंदे की शिवसेना ने मुंबई के गोरेगांव नेस्को ग्राउंड में बड़े कार्यक्रम की तैयारी की। तो वहीं मुंबई में मारुंगा के शंभू खानंद हॉल में उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों को संबोधित करने वाले हैं।
पूजा भारद्वाज है हमारे साथ, इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे पूजा के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। पूजा, 50 साल से ज्यादा का इतिहास रहा है, क्या उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार ने कभी सोचा होगा कि ये दिन भी उनकी जिंदगी में आएगा? बिल्कुल शारिक, और 57वां साल है ये शिवसेना बने हुए, और अब तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि स्थापना दिवस जो है वो दो धड़ों में बटी हुई पार्टी इस तरह से अलग अलग कार्यक्रम के तौर पर मनाएगी। तो क्यों इसे शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े साहब मौजूद हैं। सर, कहा जा रहा है कि आज का जो प्रोग्राम है एकनाथ शिंदे जी का, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन होगा, 20,000 से ज़्यादा लोग होंगे, आप क्या कहेंगे इस पर, कितने लोग इकट्ठा होने वाले हैं और क्या तैयारी है? सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहता हूँ हमारे सम्मान्य शिवसेना प्रमुख इंदुरदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का, जिन्होंने शिवसेना का स्थापना किया और एक हिंदुत्व की विचार रखी, और एकनाथ शिंदे जी और हम सब अब देख रहे हैं 20-25 हज़ार लोग यहाँ पर है, उससे भी ज़्यादा हैं और भारी संख्या में लोग हैं। हम सब सम्मान्य बाला साहेब ठाकरे जी के विचार पर चल रहे हैं, और आज आप अगर देखने जाए तो हम बीजेपी के साथ साथ में मिले हैं। 2019 में हमने बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ा था और आज हम फिर से बीजेपी के साथ हैं। महाराष्ट्र की जनता यही चाहती थी, उन्होंने जो वोट था वो शिवसेना बीजेपी को दिया था और साथ पे हम हैं। सालों से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, कभी ऐसा आपको लगा था कि एक ऐसे कार्यक्रम की भी जिम्मेदारी लेनी होगी जो एक दो धड़ों में बटी हुई पार्टी का हो, एक तरफ शिंदे गुट कहा जा रहा है, एक तरफ उद्धव गुट कहा जा रहा है, हालांकि अब पार्टी चिन्ह आपको मिल चुका है, नाम आपको मिल चुका है, लेकिन धड़ा दो बन चुका है। पहले कहा जाता था ठाकरे परिवार जहाँ, शिवसेना वहाँ, क्या हो गया अचानक सब बदल गया? देखिए, सबसे पहले तो हम शिंदे गुट नहीं है, हम शिवसेना हैं, हम ही असली शिवसेना हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, सभी ने हमको सिंबल भी दिया है, नाम भी दिया है, और जो कार्यकर्ता है यहाँ पर जो इतने उत्साह से आए हैं, एक त्यौहार मनाने के लिए आए हैं, आपने देखा यहाँ सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर कठपुतली, यहाँ डांस। उद्धव जी से चूक कहाँ हो गई? उद्धव जी से चूक कहाँ हो गई कि आज शिवसेना का अस्तित्व, जहाँ हम देखते हैं कि सत्ता में भी एक मुख्य पार्टी है लेकिन विपक्ष में भी मुख्य पार्टी है, उसकी विचारधारा क्या है? आम लोग अगर एक वोटर जाएगा तो शिवसेना को क्यों वोट करे, आज शिवसेना कहाँ है? देखिए, हमारे लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है और कोई चूक दिखाने का दिन नहीं है। हाँ। लेकिन मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि सम्मान्य एकनाथ शिंदे जी एक जमीनी नेता है और जमीनी नेता के साथ सब जुड़ना चाहते हैं, और वो जब कोई नेता हमारी बात नहीं सुन रहे थे तो शिंदे साहब हमारी बात सुन रहे थे और हम शिंदे साहब के पास जाके जो भी हमारी व्यथा है वो सुनाते थे। ये एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने जो उठाया, इसमें 40 विधायक शिवसेना में उनके साथ आ गए और 13 जो सांसद है वो भी उनके साथ आ गए, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता सिर्फ देश के इतिहास में लेकिन दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। उद्धव गुट का कहना है कि कल गद्दार दिवस है, 20 जून जब एक तरह से पार्टी स्प्लिट हुई, दो धड़ों में बटी, गद्दार दिवस मना रहे, वो एक तरह से आप सब पे ये दाग। देखिए, मैं गद्दारी पे बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन गद्दारी महाराष्ट्र की जनता से हुई। जब आपने 2019 में महाराष्ट्र की जनता से क्या बोल के वोट मांगा? आपने ये कहा कि शिवसेना और बीजेपी साथ में है, हम हिंदुत्व के साथ है, हम हिंदुत्व का आइडियोलॉजी जो है वो फॉलो करते हैं, हम बाला साहेब की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, और बाला साहेब ने ये कहा था कि अगर मुझे कोई भी दिन पे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े तो मैं ये दुकान बंद कर दूंगा, मेरी दुकान बंद कर दूंगा, शिवसेना बंद कर दूंगा। लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने ये होने नहीं दिया, वो फिर से बीजेपी के साथ आ गए और हम सब बीजेपी के साथ। एक आखिरी सवाल, फडणवीस और शिंदे जी के बीच सब ठीक है, जो मतभेद की खबरें खासतौर पे विज्ञापन के बाद, सब ठीक है कि नहीं? शक्ति प्रदर्शन के एक तरह से वो भी बताने की कोशिश होगी कि बीजेपी की जरूरत नहीं है, फडणवीस की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं, बीजेपी और हम साथ हैं, शिंदे जी और फडणवीस साहब साथ में हैं, सरकार तालमेल के साथ चल रही है, सरकार 24 घंटा आम आदमी के लिए काम कर रही है, यहाँ के गरीब, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के युवक, यहाँ के जो महिला हैं स्टेट के, सभी के लिए काम कर रहे हैं, और सरकार योजना इतनी अच्छी दे रही है कि सरकार आपके द्वार पे जाके आपके साथ काम कर रही है, आपके साथ बात कर रही है, आपका हल निकाल रही है। इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई हमारे बीच में मतभेद नहीं है, आगे भी हम साथ में लड़ेंगे, आगे भी हम साथ में जी 2024 हम फिर से लड़ेंगे, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, देवेंद्र फडणवीस जी ने ही कहा है, और हम 2024 में और भी भारी बहुमत जो है लोकसभा में और विधानसभा में दोनों में जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो शारिक, आपने सुना कि जो
जिन मुद्दों के साथ पार्टी का की नींव रखी गई, मराठी मानुस और हिंदुत्व, अगर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उन मुद्दों को आगे लेके नहीं बढ़ा गया, इसलिए शिंदे के साथ ही तमाम जो नेता हैं जो जुड़े आज उनके साथ ही उन्हीं नेतृत्व में आने वाले चुनाव लड़े जाएंगे। हालांकि कल आप देखें 20 जून का दिन, जहां पर उद्धव गुट की बात करें तो उनकी तरफ से गद्दार दिवस मनाने की कोशिश होगी, ये बताने की कोशिश होगी कि किस तरह से इनकी ओर से पार्टी को तोड़ा गया। जी शारिक, शुक्रिया पूजा विस्तार से इस खबर को हम तक लाने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश की बात में खबरें और भी हैं, बने रहें आप हमारे साथ। देश की बात में आपका स्वागत है। भोपाल में एक युवक के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपियों के घर प्रशासन ने गिरा दिए। टीला जमालपुर थाने के अंतर्गत धर्मांतरण मामले में मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पुलिस कमिश्नर भोपाल और कलेक्टर भोपाल को सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। अनुराग है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। अनुराग, क्या है पूरी खबर? शारिक, दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले महीने की 9 तारीख के आसपास एक वीडियो लिया गया, जिसमें एक युवक के गले में पट्टा बांधकर उसे घसीटा गया, उसे बीच सड़क पर घुटने के बल बिठाकर भौंकने को कहा गया। इसमें जो पीड़ित है वो अपने वीडियो में ये भी कहते हुए सुना गया कि मैं धर्म परिवर्तन के लिए भी तैयार हूँ। अब 1.5 महीने बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सुबह गृह मंत्री ने बयान दिया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उसके फौरन बाद 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इसमें से 3 आरोपी फैजान, समीर और साहिल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों पर मुख्यमंत्री ने कहा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो उन पर NSA लगा दिया गया और शाम होते होते उनके घरों पर प्रशासन का हथौड़ा चलने लगा है। प्रशासन हर बार की तरह यही दलील दे रहा है कि चूंकि जो गैर कानूनी निर्माण है, अतिक्रमण है, उसको तोड़ा जा रहा है, और अब सरकार की तरफ से बयान आया है कि ऐसे घृणित सोच को हम कुचलने का काम करेंगे, ऐसी कार्रवाई होगी जो पूरे मध्य प्रदेश के लिए नजीर बने। और जो टीला जमालपुरा थाना के थानेदार हैं वहाँ अनुराग लाल, उनको भी लाइन अटैच कर दिया गया है। शारिक, लेकिन सवाल यही है अनुराग की ऑन स्पॉट इंसाफ का जो ये ट्रेंड चला है वो थोड़ा डराता जरूर है। अगर आरोप है तो कानून सजा देती, लेकिन उसके घर को इस तरह से ढहा देना, अलग अलग राज्यों में इस तरह की तस्वीरें आती रही हैं, अब एक तस्वीर और आई है और वो भोपाल से। शुक्रिया अनुराग आपका। मुंबई के साकेनाका इलाके में ऑटो में जा रही युवती की हत्या कर दी गई। वारदात साकेनाका के खैरानी रोड पर हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी और पीड़ित दोनों एक ही ऑटो रिक्शा से यात्रा कर रहे थे। जब वो ऑटो रिक्शा में थे तो उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी ने खुद भी अपना गला काटने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा तो फरार होने लगा। फिर पुलिस ने उसे पकड़ा, उसे हल्की चोट आई। बलिया में पिछले 4 दिनों में हुई मौतों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय टीम पहुंची है। वो इन मौतों के अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है। इस बीच गर्मी का कहर भी जारी है और जिला अस्पताल में मरीजों का आना भी। बलिया के सदर अस्पताल में मरीजों का आना जारी है। पिछले कुछ दिनों में 65 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद जागे स्वास्थ्य विभाग की टीम जाँच के लिए पहुँची है। गर्मी ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से हमारे इंडोर मरीजों की संख्या बढ़ी है। 178 मरीज कल जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए हैं, जिनकी देखरेख की जा रही है, और 24 घंटे में जो है 14 मौतें हुई हैं, जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित थे। सदर अस्पताल में आने वाले ज्यादातर मरीजों को सांस लेने में परेशानी, तेज बुखार और डिहाइड्रेशन जैसी शिकायतें हैं। इनकी जांच स्वास्थ्य विभाग की टीम करा रही है। टीम इस बात पर भी गौर कर रही है कि अस्पताल में आने वाले मरीज किस किस इलाके के हैं। जो पेशेंट्स आए हैं वो मोस्टली 2 ब्लॉक से ज्यादातर हैं, एक बांसडी और दूसरा करवार।
तो वहाँ भी इसके बाद हम लोग शाम को पहुँचेंगे जा करके वहाँ पे घर घर हिस्ट्री लेंगे कि क्या वजह है कि आप लोगों के मरीज कैसे बीमार हुए, शुरुआत कैसे हुई, क्या वजह रही, क्या वहाँ पीने के पानी में तो गड़बड़ी नहीं है, अगर गड़बड़ी होती है या कोई बात है तो वहाँ के वाटर सैंपल भी हम लोग कलेक्ट करेंगे। बलिया में स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय टीम की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इन मौतों की वजह क्या है। लेकिन जानकारों की माने तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश में पड़ रही प्रचंड गर्मी भी इन बीमारियों का एक कारण हो सकती है। बलिया से करुणा सिंधु और वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, NDTV इंडिया। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश जारी है। बिपरजॉय तूफान के बाद से यहां कुछ हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। भारी बारिश के कारण जालौर जिले के सांचौर में बांध टूटने से कई इलाके डूब गए। बांध टूटने से नर्मदा लिफ्ट कनाल में पानी भर गया, इससे नहर भी टूट गई। अब सबसे बड़ा खतरा सांचौर शहर पर मंडरा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। अजमेर में भी हालात ठीक नहीं है। वहीं चेन्नई में लगातार बारिश की वजह से लोगों को तपते मौसम में तो राहत मिली है, लेकिन अब उनको जगह जगह जमा होते पानी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चटपेट इलाके और शक्ति नगर अरुम्बक्कम में पानी जमा होने से लोग परेशान हैं। नगर निगम के कर्मचारी पानी निकालने की कोशिश में लगे हैं। देश की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।